नमस्कार, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत अमेजिंग वीडियो एक अमेजिंग टॉपिक पे, जिसका नाम है वर्बल आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जबान, जो वर्ड्स हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब तक चुप हैं, ऐसे हैं, तो आप उनके बारे में सोचते रहते हैं। द मोमेंट दे ओपन देयर माउथ, आपको उनके बारे में पता चलता है, आपको ये पता चलता है कि उनके दिमाग में क्या है, कितने नॉलेजेबल है, क्या बात रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स में कैसे जिए हैं। तो आज मैं आपको बात करने वाली हूँ वर्बल पार्ट के बारे में। वर्बल पार्ट कहीं और से नहीं आता, कहीं किताबों से नहीं आता, कहीं ये आपके रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आता है। तो आज आपके लिए काम है कि आपको एक छोटी सी स्पीच तैयार करनी है अपनी जिंदगी के बारे में। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, दैट्स इट। तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में आप एक बार देखें आपकी जिंदगी में क्या क्या इंस्टेंसेस रहे हैं, आपने बचपन से लेकर आज तक क्या क्या घटनाएं देखी हैं, और हर घटना के बाद आप अपने आप को कैसे परसीव करते हैं। कोई मैटर नहीं करता दुनिया कैसे देखती है, आप अपने आप को कैसे देखते हैं। तो ये तो वह छोटा सा होमवर्क, बट अब इस होमवर्क को फाइनली आपको एक फॉर्म में कैसे लेके आना है। सबसे पहले हम बात करेंगे हुक की। हुक यानी कि आप जब किसी से बात करें, अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें, तो जो स्टार्टिंग होनी चाहिए वो ऐसी जबरदस्त होनी चाहिए कि वो ऐसे ग्राब कर ले लोगों के अटेंशन, वो कैप्चर कर ले लोगों के माइंड को, कि आप उनको कहीं पर भी हिला ना पाए, वो इतनी तालियां बजाएं कि वो शोर आपके कानों से जाए ना, वो मजबूर हो जाएंगे सुनने पे कि आप बोलने के हवाले। तो सबसे पहले हुक का तरीका है, आप जाए ऑडियंस के सामने, या तो कोई एक्ट करें, या फिर कोई क्वेश्चन पूछें, या फिर 1 2 3 इस तरीके से अपनी स्पीच को चालू करें, या फिर कोई प्रॉप लेके जाएं, जैसे कि कोई सर्टिफिकेट या फिर कोई फ्लावर या कुछ इस टाइप का, क्योंकि लोगों को सोचने पे मजबूर कर दे ये करने के हवाले। और उसके बाद आती है बॉडी, यानी अब अपनी स्पीच में आप क्या बताना चाहते हैं, आप बताना क्या चाहते हैं। उसके लिए आप कुछ सीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन सीन्स का इस्तेमाल करने के लिए आपको हर एक सीन में कैरेक्टराइजेशन लाने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप बात कर रहे हैं अपनी मदर के बारे में, तो आप अपनी मदर को कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, मदर की आवाज़ को बदलने की कोशिश करेंगे। अगर आप दिखा रहे हैं अपने बेटे को, तो उसको दिखाएंगे कि वो कैसे आपके पास ऐसे कड़ल करते हुए आया। तो उस तरीके से आप कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं। इससे लोगों को क्लैरिटी होगी कि आप कौन से सीन के बारे में बात करना चाहते हैं, वो कनेक्ट कर पाएंगे आपकी स्टोरी से। और एक बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग मेथोलॉजी का भी तरीका। और उसके बाद आता है कंक्लूजन, नॉट द लास्ट बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। आपने स्टार्टिंग ऑडियंस को पकड़ा, बॉडी में ऑडियंस को अच्छे अच्छे सीन्स के थ्रू पकड़ रखा, और अब है बात आखिरी की, यानी लास्ट के 30 सेकेंड्स। आपने अगर उनको नहीं पकड़ा, अगर आपने उनको ये सोचने में मजबूर नहीं कर दिया कि वो आपसे क्या लेकर जा रहे हैं, तो फिर आपने अभी तक की सारी मेहनत को वेस्ट कर दिया। तो जो ये लास्ट पार्ट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कंक्लूड कि आप बेसिकली स्पीच में क्या मैसेज देना चाह रहे थे, और आखिरी में एक टेक अवे या एक एक्शन जो चाहते हैं वो लें, वो आप डेफिनेटली लास्ट के कंक्लूजन के पार्ट में ऐड करें। अगर आपने वो कर दिया, मैं आपको कह रही हूँ, आप कम्युनिकेशन के मास्टर बन जाएंगे। स्टिल आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो अब मैं वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर सीरीज लेकर आ रही हूँ। हुक क्या होता है, बॉडी क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, वॉइस टोन यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन में कैसे काम करती है, और कंक्लूजन कैसे देते हैं, मैसेज कैसे देते हैं, ये सारी बातें आज से सीरीज के अंदर लेके आ रही हूँ। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। आप इसको सबसे शेयर करें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डेफिनेटली बहुत काम आई हो। थैंक यू सो मच।